सुबह करीब 5:10 कंट्रोल को ERV के माध्यम से डायलवन मंडी में कॉल आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है MT के ऊपर, उसी के चक्कर लोकल ERV ने जैसे यहाँ से आकर रिस्पॉन्ड किया और करीब 5:30 असौदा थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी। पाया कि एक ट्रक जो राजस्थान नंबर का, जिसमें कोल भरा हुआ है, कोल का डस्ट भरी हुई है, वो राजस्थान साइड से इसमें निकलता था और घटनास्थल पे एक पुल के ऊपर रिपेयर का काम चला, तो मजदूर रिपेयर करने के बाद पुल के जहाँ साइड थी उसी साइड पे बैरिकेडिंग करके वहाँ पे सो गए। इस बारे में कल जब ये काम चल रहा था तब भी इनको टोका गया था यहाँ ना सोने के लिए, पर वो कहा था स्पॉट पे ना सोएं, परंतु ये पाया गया कि खाना बना के रात में यहीं पर सोए हैं। और उसके बाद में एक घटना जिस टाइम हुई है 5:00 के समय, तो ड्राइवर ने पहले जो जर्सी बैरियर बैरिकेड लगा हुआ था उस पर टक्कर लगी है, क्योंकि कैरेज पे आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड बन गया था क्योंकि रिपेयर के कारण आधे रोड पे काम चल रहा है। इस संबंध में जो लापरवाहियाँ हैं हुई हैं, जो लेबर के ठेकेदार हैं जो रिपेयर कर रहे हैं रोड पे उनके द्वारा, और जो ड्राइवर के जो डिटेल्स आ रही हैं, अभी राजस्थान अलवर का ट्रक है, इसके ड्राइवर मौके से भाग गया उसी समय, ट्रक के पलटने से उसके यहाँ पर करीब 18 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और सो रहे थे, जिनमें से अभी तक 3 की मृत्यु होना रिपोर्ट हुई है और बाकी 10 लोगों को करीब PGI रोहतक के लिए रेफर किया गया इलाज के लिए। अभी हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि रात में घटना एग्जैक्टली किस टाइम हुई है और इसमें ट्रक ड्राइवर की तरफ से, क्योंकि इसमें मेन चर्सी बैरियर पे टक्कर मारी है, परंतु ये बात बहुत चिंतनीय है कि रोड पे इतनी संख्या में लोग बैरिकेड करके सो रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि एक बिजी रोड है। इस बारे में कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो रिपेयरिंग कंपनी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई। सर रात को पेट्रोलिंग नहीं होती अपने दिन? यहाँ पे पेट्रोलिंग है क्योंकि हमारी ERV भी यहाँ से गुजरी है और उन्होंने भी इनको टोका है करीब 8:00 के टाइम पे यहाँ ना सोने के बारे में तारीफ की थी। उसके बाद में ERV आगे जो एक ERV हम खास तौर पर KMP की पेट्रोलिंग के लिए लगा रखी है, वो ERV यहाँ पे गुजर के उन्होंने टोकना भी पड़ा है। अभी और हम जो मुलाजिमों की जिम्मेदारी है संबंध में वो इंक्वायरी करके फिक्स करेंगे कि कहाँ पर लापरवाही हुई है, परंतु ये निश्चित हुआ है कि करीब 7:30-8:00 के समय जब ये काम चल रहा था तो ERV यहाँ से गुजर के इनको यहाँ रुकने के ना रुकने के बारे में उन्होंने तायद किया। घायलों की शिनाख्त और मोस्टली जो इसमें घायल हुए हैं अभी एक्सीडेंट में उनकी पहचान हो रही है, अभी स्टैब्लिश की जा रही है।